Hello students, I welcome you all to my YouTube channel MMR Study Circle. In this session, we are going to learn chapter number 3, The Wrong House from Hello English Reader for class 7. तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में दो चोरों की कहानी दी गई है कि दो चोर कैसे चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, और वे लोग तब पकड़े जाते हैं जब वे लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी चोरी करते हैं। वे लोग क्या करते हैं, चोरी करके एक सूटकेस को एक घर में छुपा देते हैं, घर के बेसमेंट में जहाँ पर स्टोर रूम होता है वहाँ पे छुपा देते हैं। और वो जो घर होता है वो एक पुलिस ऑफिसर का घर होता है, ठीक है। तो वहीं पे वहीं से इस चैप्टर का टाइटल आया है कि उन लोगों ने जिस घर का सिलेक्शन किया था वो बिल्कुल ही गलत घर था, मतलब रॉन्ग हाउस था। एक चोर के लिए एक पुलिस का घर तो ऑब्वियसली रॉन्ग हाउस होगा ही। तो चलो इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। इन द डार्क नाइट, अंधेरी रात थी, टू मैन स्लिप्ड क्विकली थ्रू द डार्क बुशेज सराउंडेड हाउस। एक घर था जिसके चारों तरफ जो है ना घनी झाड़ियाँ उगी हुई थी, और उसमें दो लोग उसके अंदर घुस जाते हैं, उस घर के अंदर घुस जाते हैं। दे एग्जामिन द हाउस, वे घर की तलाशी लेते हैं। देर वॉज अ डस्ट लाइक अ लाइट स्नो ओवर एवरीथिंग, और घर में जो भी चीज़ें पड़ी हुई थी उन सब चीज़ों पे धूल जमी हुई थी, जैसा ऐसा लग रहा था जैसे कि बर्फ़ गिरा हुआ ना, बर्फ़ जैसा, हल्के बर्फ़ जैसा धूल जमा हुआ था सारे चीज़ों पे। क्या होता है कि जब लोग घर में नहीं होते हैं तो घर में डस्ट पूरा फैल जाता है। बूथ वेयर लकी दैट देयर वॉज नन इन द हाउस, अब वे दोनों जो चोर थे वे बहुत ही लकी थे कि उस समय घर में कोई भी नहीं था। फ्रॉम द पास्ट 10 days देयर लक हैड फेल्ड देम, पिछले 10 दिनों से उनके किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया था। हाउ दे रीच देयर एंड रीड इन दिस स्टोरी, और उन लोगों का अंत कैसे हुआ, उनकी चोरी का अंत कैसे हुआ, इसको हम पढ़ेंगे इस स्टोरी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। द नाइट वॉज डार्क, अंधेरी रात थी, एंड द हाउस वॉज डार्क, और घर में भी एकदम अंधेरा था। डार्क एंड साइलेंट, एकदम अंधेरा और खामोशी थी, मतलब घर में कोई था नहीं तो ऑब्वियस है कि खामोशी होगा। द टू मैन रैन टुवर्ड्स इट, दो लोग इसके तरफ दौड़ते हैं क्वाइटली, एकदम चुपचाप धीरे से। दे स्लिप्ड क्विकली थ्रू द डार्क बुशेस, वे लोग घनी झाड़ियों के से होते हुए कहाँ पे, उस घर के अंदर घुस जाते हैं। विच सराउंडेड द हाउस, जो कि झाड़ियाँ घर के चारों तरफ उगी हुई थी। दे रीच द पॉर्क, वे लोग बरामदे में पहुँचते हैं, वे लोग पॉर्क के पास पहुँचते हैं, मतलब वहाँ पे जहाँ से घर में एंटर किया जाता है, जहाँ पे घर का दरवाज़ा होता है, तो वे लोग बरामदे में दरवाजे के पास पहुँचते हैं। रैन क्विकली अप द स्टेप्स, नील डाउन, मतलब दौड़ते दौड़ते आते हैं, मतलब सीढ़ियों पे चढ़ते हुए, और नील डाउन मतलब झुक जाते हैं, घुटनों पे आ जाते हैं, ब्रीदिंग हेवली, और दौड़ने की वजह से उन लोगों की वे लोग हाँफ रहे होते हैं, मतलब ज़ोर ज़ोर से लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। इन द डार्क शैडोज़, मतलब अंधेरी रात में, दे वेटेड लिसनिंग, अब वे लोग वहाँ पर रुक के मतलब किसी भी चीज़ की आवाज़ को सुनने का इंतज़ार कर रहे थे। वे लोग ये पक्का कर रहे थे कि कहीं कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है घर के अंदर से, है ना, तो वे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि शायद वे लोग कुछ सुन पाएँ। साइलेंस, परफेक्ट साइलेंस, मतलब खामोशी थी घर के अंदर, पूरी तरह से खामोशी थी, एकदम परफेक्ट साइलेंस। देन आउट ऑफ द ब्लैकनेस, तभी ब्लैकनेस से, अंधेरे से अविश पर एक फुसफुसाहट की आवाज़ आती है, मतलब यही दोनों फुसफुसा कर बात कर रहे होते हैं। वी कॉन्ट स्टे आउट हेयर, हम लोग यहाँ पे बाहर नहीं रुक सकते हैं। टेक दिस सूटकेस, ये सूटकेस लो। लेट मी ट्राई दोज कीज़, और मुझे उन चाबियों को इस्तेमाल करने दो, उन चाबियों को ट्राई करने दो कि मतलब ये दरवाज़ा शायद उन चाबियों से खुल जाए। वी गॉट टू गेट इन, हम लोगों को अंदर जाना होगा किसी भी हाल में, किसी न किसी तरह, एनी हाउ। 10, 20, 30 seconds, मतलब 10, 20 और 30 seconds के अंदर, विद वन ऑफ द कीज़ द वन मैन ओपन द डोर, उन सारे चाबियों में से एक चाबी से वो दरवाज़ा खुल गया, एक आदमी ने उस दरवाजे को, उन दोनों में से एक आदमी ने उस दरवाजे को खोल दिया। साइलेंटली द टू मैन एंटर्ड द हाउस, और चुपचाप ये दोनों लोग घर के अंदर घुस गए। क्लोज द डोर बिहाइंड देम,
लॉक्ड इट और अंदर से क्या कर दिया, उस दरवाजे को बंद कर दिया और उसमें लॉक लगा दिया, ताला लगा दिया। विस्परिंग एक दूसरे से फुसफुसाते हुए दे डिस्कस द सिचुएशन, वे लोग सिचुएशन के बारे में, उस परिस्थिति के बारे में, उस हाल के बारे में, उस हालात के बारे में बात करने लगे। ठीक है, दे वंडर्ड इफ दे हैड अवेकेंड एनीवन इन द हाउस, वे लोग ये सोच रहे थे कि शायद उन लोगों ने किसी को जगा तो नहीं दिया है, घर में अगर कोई हो तो वे लोग जग तो नहीं गए हैं उन लोगों के घर में घुसने की वजह से। लेट्स हैव अ लुक एट दिस प्लेस, चलो इस जगह को अच्छे से देखते हैं, इसकी तलाशी करते हैं। केयरफुल हैस्टी मतलब अरे हैस्टी ध्यान से, इससे पता चलता है कि उन दोनों में से एक आदमी का नाम क्या था, हैस्टी था। और आगे जब हम स्टोरी को पढ़ेंगे तो उस एक और आदमी का नाम पता चल जाएगा। ठीक है, उसने कहा कि अरे हैस्टी ध्यान से देखना। ठीक है, ओ देयर इज़ नो बॉडी अवेक, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे कोई भी जगा हुआ नहीं है। एंड द सॉफ्ट रेज ऑफ ए फ्लैश लाइट स्विप्ट द रूम, और उन दोनों में से एक आदमी के पास क्या था, टॉर्च था, और उसने टॉर्च को पूरे रूम में घुमाया। आप देख सकते हो इस पिक्चर में, यहाँ पे इस बंदे के पास जो कि पर्पल शर्ट में है, उसके पास एक टॉर्च है और ये टॉर्च को चारों तरफ घुमाकर रूम को देख रहा होता है। ठीक है, इट वॉज अ लार्ज रूम, अ लिविंग रूम, और वे लोग जहाँ पे थे वो क्या था, वो एक लिविंग रूम था और एक बहुत ही बड़ा लिविंग रूम था, बहुत ही बड़ा कमरा था। ठीक है, रग्स, रग्स उसको कहा जाता है जो कारपेट्स लगे हुए थे, जो कालीन लगे हुए थे, उसको रग्स कहा जाता है। रग्स केयरफुली रोल्ड, रग्स को बहुत ही अच्छे से रोल किया हुआ था। ले पाइल्ड ऑन वन साइड, और एक साइड में उसको पाइल बनाकर उसका एक गठरी बना के रखा हुआ था। दी फर्नीचर, और जो फर्नीचर्स थे लाइक चेयर्स, टेबल्स, काउचेस, काउचेस मतलब सोफे को कहा जाता है काउच, वेयर कवर्ड बाय सीट्स, और चादर से ढके हुए थे, जितने भी फर्नीचर्स थे उन सबको चादर से ढका हुआ था। डस्ट डस्ट ले लाइक लाइट स्नो ओवर एवरीथिंग, और उन सारे फर्नीचर्स के ऊपर धूल जमे हुए थे ना, बर्फ की तरह धूल जमे हुए थे। द मैन हु हेल्ड द फ्लैश लाइट स्पोक फर्स्ट, और जिस आदमी ने टॉर्च लिए हुआ था उसने पहली बार बोला, पहले उसने बोला वेल ब्लैकी, अब देखो दूसरे का नाम क्या था, ब्लैकी, मतलब पहले का नाम हैस्टी और दूसरे का नाम ब्लैकी। तो वेल ब्लैकी ही सैड, उसने कहा कि अरे ब्लैकी वी आर इन लक, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही खुशकिस्मत हैं। लुक एज इफ द फैमिली इज़ अवे, ऐसा लग रहा है कि जो फैमिली है वो यहाँ पर नहीं है, वे लोग कहीं गए हुए हैं। यह गन फॉर द समर आई गेस, और जो हैस्टी है वो बोल रहा है कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वे लोग समर पे गए, मतलब छुट्टियाँ मनाने, गर्मी की छुट्टियाँ मनाने गए, समर वैकेशन पे गए। वी बेटर मेक श्योर दो, लेकिन हैस्टी बोला है कि इसके बावजूद हालांकि हम लोगों को क्या कर लेना चाहिए, हम लोगों को मेक श्योर कर लेना चाहिए, हम लोगों को पक्का कर लेना चाहिए कि यहाँ पे कोई है तो नहीं, मतलब वे लोग घर से बाहर गए हैं ना, मतलब ऐसा ना हो कि हम लोग समझे कि वे लोग समर वेकेशन पे हैं और कोई ना कोई यहाँ पे हो, तो हम लोग इसको बात को पक्का कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। टुगेदर दे सर्च द होम, और उन लोगों ने मिलकर एक साथ घर की तलाशी ली, घर का छानबीन किया। दे वेंट ऑन टिप टो, अब देखो ये जो वर्ड यूज़ किया गया है टिप टो, इसका मतलब ये है कि अपनी पैरों की उंगलियों पर चलना, बिना तलवे को जमीन पे, बिना तलवे को फ्लोर पे टच कराए, मतलब जब एक आदमी चुपके चुपके कहीं जाने की कोशिश करता है बिना किसी के नोटिस में आए, तो वह अपनी पैरों की उंगलियों पर चलता है, बहुत ही धीरे धीरे चलता है। तो वे लोग बहुत ही धीरे धीरे हर रूम में, एक से दूसरे रूम में गए। देयर कुड बी नो डाउट अबाउट इट, और जब वे लोग बिल्कुल ही श्योर हो गए कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, द फैमिली वॉज अवे, की फैमिली यहाँ पे नहीं है, हैड बीन अवे फॉर वीक्स, और उन लोगों को ये पता चल गया कि वो जो फैमिलीज थी कि वहाँ पे नहीं है और वे लोग हफ्तों से ही कहीं पे गए हुए हैं। ठीक है, येस हैस्टी होगन एंड ब्लैकी बर्न्स वेयर इन लक, अब देखो इन दोनों का पूरा नाम पता चल गया, इन दोनों चोरों का नाम क्या था, एक का नाम हैस्टी होगन और दूसरा का नाम ब्लैकी बर्न्स, तो ये दोनों बहुत ही लकी थे कि फैमिली नहीं था वहाँ पे, घर वाले नहीं थे। Only once in the past 10 days had their luck failed them. ठीक है, अब क्या बता रहा है कि इतना सब होने के बावजूद भी कि पिछले 10 दिनों में सिर्फ एक बार उनके किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया था। It had been with them when they made their big robbery. और उनके साथ ये तब हुआ था जब उन्होंने अपना सबसे बड़ा डकैती किया था, अपने सबसे बड़े काम का अंजाम दिया था। Their truly magnificent robbery on the coast. और उनका सबसे शानदार रॉबरी, सबसे शानदार डकैती जो कि उन्होंने कोस्ट पे किया था, मतलब समुद्र के किनारे किया था।
It had been with them during their 1,000-mile trip eastward by automobile. और उनके साथ ये तब हुआ था जब वे लोग हजारों मील दूर थे पूरब की तरफ एक कार से. It had been with them every moment but one. और उनकी किस्मत जो थी ना, वे पहले उनके हर समय पे, हर मौके पे उनकी साथ देती थी, उनका साथ देती थी, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था. उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया था. That moment had come just 1 hour before. और उनके साथ ऐसा तब हुआ था, मतलब एक घंटे पहले हुआ था, मतलब उनकी किस्मत ने उनका साथ देना कब छोड़ दिया था, लगभग एक घंटे पहले. It came when Blackie, और ये कब हुआ था, जब ब्लैकी कार ड्राइव कर रहा था, ran over a policeman, और उसने पुलिसमैन के ऊपर चढ़ा दिया, है ना, ran over a policeman. And Blackie, thinking of the suitcase at Hasty's feet, had driven away swiftly. और ब्लैकी जो कि सूटकेस के बारे में सोच रहा था, जो कि हेस्टी के पैर के पास था, उसने कार को बहुत ही तेज चला दिया था, बहुत ही स्विफ्टली, मतलब बहुत ही तेज. There had been a chase, of course, a wild, crazy chase. और उनका पीछा किया गया था बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही क्रेजी चेज हुआ था. And when a bullet had punctured the gasoline tank. और क्या हुआ था कि जब एक बुलेट ने, जब पुलिस क्या करेगी, जब पुलिस आपका पीछा करेगी और आप भागोगे तो वो फायर करेगी. तो जब पुलिस के बुलेट ने, पुलिस के गोली ने जब उनके ऑयल टैंक को, गैसोलीन टैंक को जब पंक्चर कर दिया था, दे हैड हैड टू अबैंडन द कार. तब उन लोगों को कार को मजबूरन छोड़ना पड़ा. बट लक और नो लक, हेयर दे वेयर. अब चाहे उनका किस्मत उनका साथ दे या ना दे, लेकिन वे लोग इस सिचुएशन में आ गए थे, ठीक है, कि उनके पास अब बिल्कुल भी कार नहीं था. अलोन एंड विदाउट अ कार, बिल्कुल अकेले बिना कार के, इन अ कम्प्लीटली स्ट्रेंज टाउन, एक बिल्कुल ही अनजान शहर में, बट सेफ एंड साउंड. लेकिन क्या थे वे लोग, बिल्कुल ही सेफ थे, मतलब सुरक्षित थे. विद द सूटकेस, और उनके पास सूटकेस था. द सूटकेस ले इन द सेंटर ऑफ द टेबल. सूटकेस कहाँ था, सूटकेस उन लोगों ने कहाँ पे रखा हुआ था, टेबल पे रखा हुआ था, ठीक है, जो कि रूम के बिल्कुल ही सेंटर में था. इन द सूटकेस, और सूटकेस में क्या था, नीट लिटिल पैकेज ले नियरली $300,000. और उस सूटकेस में पैकेट रखा हुआ था, और उस पैकेट के अंदर जो था लगभग $300,000 पैसे रखे हुए थे, ठीक है. लिसन, सैड मिस्टर होगन. अब मिस्टर होगन क्या बोल रहे हैं, एक चोर जो था दूसरे से बोल रहा है कि सुनो, वी हैव टू गेट अ कार. हमें क्या लेना होगा, एक कार लेना होगा, क्विक, और वो भी जल्दी, है ना, क्विक टू, और वो भी जल्दी लेना होगा. एंड वी कैन नॉट स्टील वन, और हम उस कार को चुरा नहीं सकते हैं, हमें ख़रीदना होगा. एंड यूज़ इट, चुरा कर तो यूज़ नहीं कर सकते, हमें ख़रीदना होगा. इट्स टू डेंजरस, क्योंकि अब बहुत ही ख़तरनाक होगा एक कार को चुराना, और फिर उससे यहाँ वहाँ जाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि पुलिस हमारे पीछे लग जाएगी, वैसे पहले से ही पड़ी हुई है. वी हैव टू बाय वन, हमें ख़रीदना होगा. दैट मीन्स दैट वी हैव टू वेट अनटिल द स्टोर्स ओपन. इसका मतलब यह है कि हमें तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक कि दुकान न खुल जाए कार ख़रीदने के लिए. दैट विल बी अबाउट 8 o'clock इन दिस टाउन, और इस शहर में, इस टाउन में दुकान कितने बजे खुलती है, लगभग 8 बजे खुलती है. बट वॉट आर वी गोइंग टू डू विद दैट, एंड मिस्टर बर्न्स पॉइंटेड टू द सूटकेस. अब मिस्टर बर्न्स उस सूटकेस की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इस सूटकेस का हम क्या करें. हाइड इट राइट हियर, मतलब वे लोग उस घर के अंदर ही थे और एक टेबल पे रख के सूटकेस को, और उस सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अब हम लोग तो पुलिस के ऊपर से गाड़ी को चढ़ाकर यहाँ पे भाग के आ गए हैं, इस घर में आ गए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे इस सूटकेस का, अब हमें तो कार लेना है ना, तब तक हम लोग इस सूटकेस का क्या करेंगे. तो ये कह रहा है कि हाइडी ट्राइट है, मिस्टर हैस्टी होगन कह रहे हैं कि हम लोग इसे यहीं पे छुपा देते हैं. हाँ श्योर, वाई नॉट, क्यों नहीं, बिल्कुल यहीं पे छुपा देते हैं. इट इज़ मच सेफर हेयर दैन विद अस, मतलब ये जो सूटकेस होगा यहाँ पर ज़्यादा सेफ होगा, ज़्यादा सुरक्षित होगा, बजाय कि इसको हम अपने साथ रखें. अनटिल वी गेट अ कार, जब तक कि हमारे पास एक कार ना हो जाए.
एंड सो दे हिड दिस सूटकेस, और इस तरह से उन लोगों ने उस सूटकेस को उसी घर में छुपा दिया। दे कैरिड इट डाउन टू द सेलर, और उन लोगों ने उस सूटकेस को कहाँ पे ले गए, सेलर में ले गए, मतलब बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं उसमें बेसमेंट होता है, और बेसमेंट के अंदर क्या होता है, बेसमेंट के अंदर स्टोर रूम बनाया जाता है, उसी को सेलर कहा जाता है। वे लोग उस सूटकेस को सेलर में ले गए, ठीक है। बरीड इट डीप इन सम कोल, और वहाँ पे स्टोर रूम में कुछ कोयले रखे हुए थे, उस कोयले के अंदर उसे छिपा दिया, उसमें दफना दिया समझ सकते हो, छिपा दिया, उसके अंदर गाड़ दिया। विच ले इन अ कॉर्नर ऑफ द सेलर, जो कि जो कोयले पड़े हुए थे उस बेसमेंट के उस स्टोर रूम के कॉर्नर पे पड़े हुए थे। आफ्टर दिस, इसके बाद, जस्ट बिफोर डॉन, डॉन डी ए डब्ल्यू एन, डॉन का मतलब होता है सुबह, तो इसके बाद सुबह होने से पहले दे स्लिप्ड आउट, वे लोग उस घर से बाहर निकल गए। सी ब्लैकी, अब ब्लैकी क्या कहता है, मिस्टर होगन रिमार्क्ड एज दे वॉक डाउन द स्ट्रीट। मिस्टर ब्लैकी, मिस्टर होगन कहते हैं कि देखो मिस्टर ब्लैकी, दे वॉक डाउन द स्ट्रीट, जैसे कि वे लोग सड़क पे चल रहे होते हैं। द नेम ऑफ द जेंटलमैन वी आर विजिटिंग इज मिस्टर सैमुअल डब्ल्यू रॉजर्स, कि जो जिस आदमी के घर पे हम लोग थे ना, जिस आदमी के घर पे हम लोगों ने उसको छुपा दिया है, उसका क्या है, उसका नाम क्या है, मिस्टर सैमुअल डब्ल्यू रॉजर्स है, ठीक है। हाउ डू यू नो, कि तुम कैसे जानते हो, मिस्टर बर्न्स पूछ रहे हैं कि तुम कैसे जानते हो। Saw with on some of them books, कि मैंने उसको कुछ किताबों में देखा है और पढ़ा है। He has surely got a wonderful library, hasn't he? कि उसने उसके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइब्रेरी है ना। The automobile sales rooms opened at 8 o'clock as Mr. Hogan had supposed. अब जैसे मिस्टर होगन ने कहा था कि जो यहाँ पर इस शहर में जो कार की दुकानें हैं, जो सेल्स रूम हैं, वो 8 बजे खुलेंगी, तो वो एग्जैक्टली 8 बजे ही खुला जैसा कि उन्होंने कहा था। शॉर्टली बिफोर 9, 9 बजे से कुछ पहले मिस्टर होगन एंड मिस्टर बर्न्स हैड अ कार, मिस्टर होगन और मिस्टर बर्न्स के पास अब कार हो गया था, क्योंकि उन लोगों ने कार खरीद लिया था, अ वेरी नाइस लिटिल कार, और उनका जो कार था वो बहुत ही छोटा था लेकिन बहुत ही शानदार था, वेरी क्वाइट, और बहुत ही कम आवाज़ करने वाला था, है ना, वेरी इनकॉन्स्पिशियस, और बहुत ही कम नोटिसेबल था, मतलब उस कार पे ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाने वाला था क्योंकि बहुत ही छोटा कार था, एंड वेरी स्पीडी, और बहुत ही तेज चलने वाला कार था, है ना। द डीलर लेंट देम हिज लाइसेंस प्लेट्स एंड अवे दे रोड, और जो डीलर था, कार डीलर, उसने उन लोगों का अपना लाइसेंस दे दिया, लाइसेंस प्लेट दे दिया, और वे लोग वहाँ से ड्राइव करके चले गए। 3 blocks फ्रॉम द हाउस, घर से 3 blocks दूरी पे दे स्टॉप, उन लोगों ने कार को रोक दिया। मिस्टर होगन गॉट आउट, मिस्टर होगन घर से बाहर निकले, वॉक्ड टुवर्ड्स द हाउस, वे अब मिस्टर होगन पैदल ही उस घर की तरफ चल दिए, ठीक है। ही हैड जस्ट टू गो राउंड टू द रियर, ही थॉट एंड स्लीपिंग, और वो क्या सोच रहे थे कि वे घर के चारों तरफ जाएंगे और उसके पीछे से क्या करेंगे, घर के अंदर घुस जाएंगे। 50 yards फ्रॉम द हाउस ही स्टॉप्ड, और घर से 50 गज दूरी पे वे क्या करते हैं, वे रुक जाते हैं। स्टेयर्ड स्वर सॉफ्टली, और वहाँ पे रुक जाते हैं और देखते हैं चारों तरफ से, और जल्दबाजी में चारों तरफ देखते हैं। The front door was open, और क्या देखते हैं कि घर का जो मेन दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। The window shades were open, और खिड़कियाँ खुली हुई थी। The family had returned, और जिस घर के बेसमेंट में, स्टोर रूम में उन्होंने सूटकेस को छिपाया था, उसका परिवार जो था, उसके फैमिली वाले वापस आ चुके थे, है ना। Well, what bad luck, कि अरे अब कितना बुरा भाग्य है, बुरा किस्मत है हम लोगों का। एंड वॉट कुड दे डू, अब वे लोग कर भी क्या सकते थे। ब्रेक इन टू द सेलर दैट नाइट, कि मतलब वे लोग उस बेसमेंट में, उस स्टोर रूम में घुसते एंड पिक अप द सूटकेस, और उस सूटकेस को उठा लेते, ये तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। नो, टू डेंजरस, ये बिल्कुल ही ख़तरनाक है। मिस्टर होगन वुड हैव टू थिंक ऑफ समथिंग, कि मिस्टर होगन को अब किसी दूसरे उपाय के बारे में सोचना होगा कि हम लोग वहाँ पे उस सूटकेस के पास पहुँचे कैसे। लीव इट टू मी किड, ही टोल्ड टू मिस्टर बर्न्स,
उसने मिस्टर बोन्स को, मिस्टर होगन ने मिस्टर बोन्स को कहा कि अरे बच्चे ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं इतना पका हुआ हूँ कि मैं सब कुछ कर लूँगा, तुम अभी बच्चे हो, यू ड्राइव द कार, तुम बस गाड़ी चलाओ, आई विल डू द स्पेशल ब्रेन वर्क, और मैं बाकी दिमाग वाला काम करूँगा, ठीक है, तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी दिमाग वाला काम नहीं कर सकते हो, तुम इतना लोड नहीं ले सकते हो, लेट्स फाइंड अ टेलीफोन क्विक, चलो हम तुरंत क्या करते हैं, एक टेलीफोन ढूंढते हैं। 10 minutes later, 10 minutes के बाद मिस्टर होगन वॉज कंसल्टिंग अ टेलीफोन डायरेक्ट्री, मिस्टर होगन क्या कर रहे थे, एक टेलीफोन डायरेक्ट्री मतलब एक टेलीफोन रजिस्टर को देख रहे थे। टेलीफोन डायरेक्ट्री एक उस रजिस्टर को कहा जाता है जिसमें पूरे एरिया के लोगों के टेलीफोन नंबर रजिस्टर्ड होते हैं। येस देयर इट वॉज, हाँ यही तो है, सैमुअल डब्ल्यू रॉजर्स प्लेन व्यू 6329, मतलब मिस्टर सैमुअल डब्ल्यू रॉजर्स के का एड्रेस लिखा हुआ था उनका, और उनका हाउस नंबर लिखा हुआ था कि यहीं तो है, मिल गया। अ मोमेंट लेटर, कुछ देर बाद, ही वॉज टॉकिंग टू द सरप्राइज्ड मिस्टर रॉजर्स, कुछ देर के बाद वह किससे बात कर रहे थे, मिस्टर रॉजर्स से, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे। कौन बात कर रहा था, मिस्टर हैस्टी होगन। हेलो ही बिगिन, इज दैट मिस्टर रोजन, मिस्टर सैमुअल रॉजर्स, मिस्टर हैस्टी होगन क्या कह रहे हैं कि हेलो क्या यह मिस्टर रॉजर्स हैं, मिस्टर सैमुअल रॉजर्स हैं, यस दिस इज़ मिस्टर रॉजर्स, मिस्टर रॉजर्स कह रहे हैं कि हाँ मैं मिस्टर रॉजर्स ही हूँ। हेलो, सॉरी, मिस्टर होगन क्लियर्ड हिज थ्रोट, मिस्टर होगन होगन ने क्या किया था, अपने गले को साफ किया। हम लोग ऐसे करते हैं ना हम लोग अपने गले को साफ, तो ऐसे उन्होंने अपने गले को साफ किया। मिस्टर रोजर ही सेड, उसने कहा देखो मिस्टर रोजर, एंड हिज टोन वॉज शार्प, और उसने अपने टोन को शार्प कर लिया, अपने आवाज़ को, अपने बोलने के स्टाइल को थोड़ा सा शार्प कर लिया, अपने ऑफिशियल इम्प्रेसिव, और अपने टोन को बहुत ही ऑफिशियल कर दिया, बहुत ही इम्प्रेसिव कर दिया। मतलब ऑफिशियल का मतलब आप देखते होगे, जब आप किसी को कॉल करते होगे और उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आता होगा तो क्या आवाज़ आता है उधर से, द पर्सन यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करेंटली स्विच्ड ऑफ, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, आता है ना ऐसे करके साउंड। तो बिल्कुल इसी तरह के ऑफिशियल और इम्प्रेसिव टोन में वो बात करने लगे। दिस इज़ हेड क्वार्टर, अब वो कैसे बात करें, दिस इज़ हेड क्वार्टर्स, पुलिस हेड क्वार्टर्स टॉकिंग, ये पुलिस का हेड क्वार्टर्स है, ये हेड क्वार्टर्स है, ये पुलिस का हेड क्वार्टर्स है, मैं पुलिस के हेड क्वार्टर से बात कर रहा हूँ। आई एम सैम्पसन, सार्जेंट सैम्पसन, कि मैं सैम्पसन हूँ, मैं सार्जेंट सैम्पसन हूँ, ऑफ द डिटेक्टिव डिविजन, मैं डिटेक्टिव डिवीज़न से बात कर रहा हूँ, मतलब जासूसी विभाग से बात कर रहा हूँ। येस येस, कम ओवर द वायर, कि हाँ हाँ बोलिए सर, बिल्कुल बोलिए। द चीफ ऑफ पुलिस, यू नो, अब यहाँ पे मिस्टर होगन कह रहे हैं मिस्टर रॉजर्स से कि देखो द चीफ ऑफ द पुलिस जो हैं, आप जानते हैं उसके बारे में, वो जो हैं, हेयर मिस्टर होगन लोअर्ड हिज वॉइस, अपने आवाज़ को थोड़ा सा धीमे करते हुए बोलते हैं, हैज़ ऑर्डर्ड मी टू गेट इन टच विद यू, कि मिस्टर चीफ ऑफ द पुलिस ने मुझे ऑर्डर किया है कि मैं आपके संपर्क में रहूं, आपसे बात करूं, ही इज सेंडिंग मी आउट विद वन ऑफ आवर मैन टू सी यू, कि जो चीफ ऑफ द पुलिस हैं वह मुझे आपके पास भेज रहे हैं एक आदमी के साथ आपसे मिलने के लिए। एम आई इन ट्रबल ऑफ सम काइंड, आस्क मिस्टर रॉजर्स, मिस्टर रॉजर्स पूछ रहे हैं कि क्या मैं किसी मुसीबत में हूँ, क्या मैं किसी तरह के मुसीबत में हूँ। नो नो नथिंग लाइक दैट, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट आई हैव समथिंग ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस टू टॉक टू यू अबाउट, कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपसे बात करनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में आपसे बात करनी है। वेरी वेल केम द वॉइस ऑफ मिस्टर रॉजर्स, आई विल वेट फॉर यू, अब मिस्टर रॉजर्स कहते हैं चलो बहुत अच्छी बात है कि मैं आपका इंतज़ार करूँगा, मैं आपका वेट करूँगा। एंड मिस्टर रॉजर्स, मिस्टर होगन कॉशन्ड, और मिस्टर होगन ने मिस्टर रॉजर्स को ये चिताया, प्लीज़ कीप क्वाइट अबाउट दिस, इसके बारे में आप बिल्कुल चुप रहेंगे, डोंट से एनीथिंग टू एनीबॉडी, और आप इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताओगे। यू विल अंडरस्टैंड वाई व्हेन आई सी यू, आप ये सारा चीज़ समझ जाओगे जब मैं आपसे मिलने आऊँगा। ऑन द वे बैक टू द हाउस, मतलब वहाँ पे मिस्टर रॉजर्स के यहाँ जाते हुए, उनके जाते हुए रास्ते में,
मिस्टर होगन एक्सप्लेन्ड हिज आइडिया टू मिस्टर बर्न्स। मिस्टर होगन ने अपने आइडिया अपने प्लान के बारे में मिस्टर बर्न्स को बताया। विदिन 10 मिनट्स 10 मिनट तक सार्जेंट सिम्पसन एंड डिटेक्टिव जॉनसन वेयर कन्वर्जिंग विद द सरप्राइज मिस्टर रॉजर्स। देखो कन्वर्जिंग मीन्स होता है बात करना, है ना। तो लगभग 10 मिनट तक सार्जेंट सिम्पसन और डिटेक्टिव जॉनसन, अब यहाँ पे उन लोगों ने प्लान क्या बनाया था कि जो मिस्टर होगन होंगे वो सार्जेंट सिम्पसन होंगे और जो मिस्टर ब्लैकी बर्न्स होंगे वो डिटेक्टिव जॉनसन होंगे। तो ये दोनों 10 मिनट तक हैरान परेशान मिस्टर रॉजर्स से बातचीत करते रहे। मिस्टर रॉजर्स वॉज ए स्मॉल मैन। मिस्टर रॉजर्स जो थे वो बहुत ही नटखट और छोटे से आदमी थे। रादर इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही मामूली टाइप के आदमी दिखने में बहुत ही मामूली टाइप के आदमी थे। ही हैड पेल ब्लू आइज़, उनकी जो आँखें थी वो थोड़ा सा येलो कलर की और ब्लू कलर की थी, है ना, येलोइस ब्लू कलर की थी। नॉट मच ऑफ ए चिन, और ज़्यादा चीनी नहीं थे, मतलब ज़्यादा चीनी होता है मस्क्यूलर आदमी। अ फनी लिटिल फेस, और उनका जो फेस था वो बहुत ही छोटा सा और फनी था। ही वॉज नर्वस, और बहुत ही नर्वस थे। बैडली फ्राइटेन मैन, और बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। मिस्टर होगन टोल्ड दी होल स्टोरी, मिस्टर होगन ने पूरे कहानी के बारे में बताया। सम वाट चेंज, कुछ बदल कर, वेरी मच चेंज मतलब बहुत ज़्यादा बदल कर। एंड मिस्टर रॉजर्स वॉज सरप्राइज्ड बट डिलाइटेड, और मिस्टर रॉजर्स उनकी ये सारी चीज़ें उनकी सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे, लेकिन अंदर ही अंदर डिलाइटेड थे, अंदर ही अंदर खुश थे, क्योंकि बाद में पता चलेगा कि जो मिस्टर रॉजर्स थे वही चीफ ऑफ द पुलिस थे, है ना। तो वो इसी की वजह से अंदर खुश थे कि मैं आज तो इन लोगों को पकड़ के ही छोड़ूंगा। ही एकॉम्पेन्ड मिस्टर होगन टू द सेलर, अब मिस्टर रॉजर्स ने मिस्टर होगन को अपने साथ कहाँ ले गया, वहाँ पे जहाँ पे सूटकेस को छिपाया गया था, स्टोर रूम में। एंड टुगेदर दे डग अप टू द सूटकेस, और उन दोनों ने मिलकर एक साथ सूटकेस को खोदा। टुक इट टू द लिविंग रूम, और इसे लिविंग रूम में लेकर आया। ओपेंड इट, इसे खोला। So that it had not been touched, that it really did hold a small fortune. और उसको तब तक बिल्कुल भी टच नहीं किया गया था जब से उसको वहाँ पर छिपाया गया था, और इन लोगों ने ये सोचा था कि इसमें हमारा भाग्य, इसमें हमारा किस्मत छुपा हुआ है, हम बहुत ही लकी हैं इसके वजह से। ब्लिस ब्लिस ब्लिस। मिस्टर होगन क्लोज द सूटकेस, मिस्टर होगन ने सूटकेस को क्या किया, क्लोज कर दिया, है ना, क्योंकि उसमें पैसे थे, और देखकर खुश हो गया, बोल रहा है कि भगवान का हम पे आशीर्वाद है, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ बोला। एंड नाउ मिस्टर रॉजर्स ही अनाउंस्ड, और फिर मिस्टर होगन क्या कर रहे हैं कि अरे अब मिस्टर रॉजर्स सुनिए, इन दिस बेस्ट ऑफिशियल मैनर, अपने बेस्ट ऑफिशियल मैनर में, जॉनसन एंड आई मस्ट रन अलॉन्ग, कि मुझे जॉनसन को और मुझे अब तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। द चीफ वांट्स अ रिपोर्ट क्विक, कि जो चीफ ऑफ द पुलिस हैं उन्हें इसके बारे में, इस डकैती के बारे में, इस रॉबरी के बारे में रिपोर्ट चाहिए, और बहुत ही जल्दी। वी हैव टू कैच द रेस्ट ऑफ द रॉबर्स, कि हमें बाकी डकैतों को भी पकड़ना है। आई विल कीप इन टच विद यू, कि मैं आपसे संपर्क में रहूँगा, मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। ही पिक्ड अप द सूटकेस एंड रोज, उसने सूटकेस को उठाया और खड़ा हुआ। मिस्टर बर्न्स ऑल्सो रोज, मिस्टर बर्न्स भी खड़े हुए। मिस्टर रॉजर्स ऑल्सो रोज, मिस्टर रॉजर्स भी खड़े हुए, ठीक है। द ट्रायो वॉक टू द डोर, और ये ट्रायो मतलब तीन लोगों का एक समूह, और ये तीनों लोग दरवाजे के पास चल कर आए। मिस्टर रॉजर्स ओपन्ड इन, तब तक क्या होता है, मिस्टर रॉजर्स ने दरवाज़ा खोला। कम इन बॉयज़, और क्या कहते हैं कि आओ लड़कों अंदर आ जाओ। ही सैड प्लीजेंटली, एकदम आनंददायक आवाज़ में, खुशी भरे लहजे में कहते हैं कि चलो बच्चे, चलो बॉयज़, चलो लड़कों अंदर आ जाओ। एंड इन वॉक थ्री मैन, और तभी क्या होता है कि तीन लोग घर के अंदर घुसते हैं। लार्ज मैन, एक बड़ा सा आदमी, स्ट्रॉन्ग मैन, एक मजबूत सा आदमी, मैन इन पुलिस यूनिफॉर्म, एक आदमी जो कि पुलिस यूनिफॉर्म में था, हु विदाउट फियर, जो कि बिना डरे हुए स्टेयर्ड एट मिस्टर हैस्टी होगन एंड मिस्टर ब्लैकी बर्न्स, बिना डरे हुए मिस्टर हैस्टी होगन और मिस्टर ब्लैकी बर्न्स को घूर कर देखा। What does this mean, Mr. Rogers? asked Mr. Hogan. Mr. Hogan ने पूछा कि अरे Mr. Rogers, ये क्या बात है, ये लोग कौन है, है ना। It's quite simple, said Mr. Rogers. Mr. Rogers ने कहा ये तो बहुत ही सिंपल, ये तो बहुत ही ईजी है, ये तो बहुत ही जाहिर सी बात है। It just happens that I am the chief of the police. मतलब समझने वाली बात ये है कि मैं ही पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं ही चीफ ऑफ द पुलिस हूँ।
अब समझे बच्चों, आप लोग पकड़े गए यहाँ पे। सो दिस वॉज द कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर द रॉन्ग हाउस एंड दिस चैप्टर वॉज रिटन बाय जेम्स एन यंग। सो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको, आप कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द नेक्स्ट विद द न्यू चैप्टर। बाय बाय।